हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद विद्यान्विति में आपका फिर से मैं स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही आसान सी है और देखने में काफी यूनिक है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहेंगे तो आप ये वीडियो का देख सकते हैं। इसका लुक काफी अच्छा आया है और बहुत ही आसान है, आप वीडियो में जरूर देखें किस तरह मैंने इसे बनाया है। तो चलिए इस स्नैक्स को किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी एक बर्तन ले लेंगे, उसमें डालेंगे मैदा। ये मेरा एक कटोरी मैदा है। अब इसमें डाल देंगे तेल, तेल चार चम्मच डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक। ये हमारा अजवाइन है, इसे इस तरह क्रश करके डाल देंगे। कलौंजी, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा लाल मिर्च। अब इन सभी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और अच्छे से सभी चीजों को मिला लेना है। हम एक बार देख लेते हैं कि मोयन हमारा अच्छे से हुआ है कि नहीं, अगर कम लगेगा उसके बाद फिर से तेल डालेंगे। आप घी या रिफाइंड ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये देखिए, ये मेरा अच्छा से मोयन हो चुका है। ये देखिए इस तरह करने से, उसके बाद तोड़ने से ये अच्छे से टूट जाता है। तो हमारा मोयन अच्छे से हो चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लेके हमें टाइट डो बनाना है। ज्यादा गीला नहीं बनाना है और न ज्यादा सख्त बनाना है, थोड़ा सा हमें सख्त बनाना है। मैं दिखा दूंगी किस तरह हमें सख्त बनाना है। मैदे को हमें अच्छे से गूंथना है ताकि हमारा जो रेसिपी है वो अच्छे से बन सके। तो इसलिए आटे को हमें अच्छे से गूंथना है और गूंथने के बाद इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो ये हमारा हो चुका है, अभी रफली हमने इसे गूंथ लिया। अब इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पर छोड़ देते हैं। तो 10 मिनट हो चुका है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आटा हमारा अच्छे से हो चुका है। तो एक बार फिर से हाथों से अच्छे से हम इसे मसल लेंगे। अब हमें इसे क्या करना है, चार भाग में इसे डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए इतना बराबर करना है हमें। तो आपको जो बड़ा छोटा लगे, थोड़ा थोड़ा उसमें आटा हम ले लेंगे इस तरह और बराबर कर लेंगे। अब एक को इस तरह लोई करेंगे। तो अब इसे हमें बेलना है। तो क्यों, अभी जब तक बताते हैं कि ये हमें जब इसका बेलेंगे तो मैदा ही हमें लेना है, आटा नहीं लेना है। डिप करने के लिए मैदा ही लेंगे। तो बस इसे डिप कर लेते हैं और अच्छे से इसे बेल लेते हैं। तो ये देखिए इतना पतला हमें इस तरह इसे बेल लेना है। ये देखिए इतना इसका थिकनेस हमें रखना है और इसे दूसरे प्लेट में रख देंगे। अब फिर से दूसरी लोई भी लेंगे और इसे बनाएंगे। तो ये देखिए दूसरा वाला भी हमने अच्छे से बेल लिया है। इसी तरह हमें चार वाला, चार जो हमने किया है लोई, सभी को बेलना है इसी तरह। तो ये देखिए सभी हमारा कम्प्लीट हो चुका है। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। किस तरह बनाना है, पहले एक को लेंगे, उसके बाद इस पर थोड़ा सा इस तरह तेल को ग्रीस कर देंगे और इसे फैला लेना है चारों तरफ से अच्छे से। और ये देखिए इसके ऊपर फिर से मैदा थोड़ा सा डिप कर देंगे। अब फिर से एक हमने लेना है और इसे अच्छे से चारों तरफ से हमें इस तरह कर देना है। अब फिर से हम तेल डालेंगे सभी पे। ये देखिए फैला लेना अच्छे से तेल को चारों तरफ से, हमें इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। फिर से मैदा लेंगे, मैदा ज्यादा नहीं देख सकते, मैं दो से तीन चुटकी मैदा ले रही हूँ। अब फिर से इसे डालेंगे। आप चाहे तो तीन का भी बना सकते हैं, चार का भी बना सकते हैं। तो मैं चार का बना रही हूँ, तो आप चाहे तीन का भी बना सकते हैं। इसे भी अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेना है, ज्यादा नहीं देना है, आधी चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा। तो ये देखिए इस तरह फिर से मैदा डालेंगे, चारों तरफ डाल देना है ताकि हमारा इक्वल हो सके। फिर इसे डाल देंगे। अब इसके ऊपर तेल नहीं डालना है हमें, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा मैदा ग्रीस करके इस तरह कर देना है। और अब इसे हमें क्या करना है, अच्छे से हमें पतला करना है। ये देखिए जितना पतला आप कर सके। तो ये देखिए मेरा चकला थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो मैंने प्लेटफार्म को अच्छे से साफ कर लिया और इसे अच्छे कपड़े से हमें पोंछ लेना है, उसके बाद इसके ऊपर फिर से बेल देना है। तो आप देखिए जितना बड़ा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मेरा बहुत ही अच्छा ये
पतला हो चुका है और चारों तरफ से हमें इक्वल पतला होना चाहिए। अब हमें इसे कट करना है, तो देख सकते हैं आप चाहे कटर भी ले सकते हैं, अगर नाइफ है तो नाइफ से भी कर सकते हैं। तो इस तरह पहले बीच से करेंगे, फिर इस तरह करेंगे, फिर इस भाग से हमें सीधा ले जाना है, फिर इस तरह ले जाना है। अब क्या करेंगे, इस तरह लेते जाएंगे पतला पतला हमें। जितना पतला आप करना है, आपको रखना है, आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह कट कर लेंगे। तो ये कट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह हमें लेना है और इस तरह हमें, ये देखिए मैं एक प्लेट ले लेती हूँ, इस तरह हमें इसे फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह, ये देखिए इस तरह, और इसे दबा देंगे ताकि खुले नहीं। और ये देख सकते कितना सुंदर हमारा ये हो चुका है। इसी तरह हमें सारा बना लेना है। मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। एक उठाएंगे हल्के हाथों से, इस तरह हमें इसे फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ कटिंग करना है और उसके बाद इस तरह फोल्ड करते जाना है। ये कोई भी कर सकता है। इसी तरह सारा हम बना लेते हैं। तो मैं जब तक उधर बना रही हूँ तब तक मैंने तेल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तो ये देखिए मैंने सभी को इसी तरह बना लिया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और सच पूछे मुझे तो बनाने में बहुत ही मजा आ रहा था, क्योंकि मुझे इस तरह का बनाने में बहुत ही मजा आता है। तो तेल गर्म हो गया है, तो पहले चेक कर लेते, गैस के फ्लेम को लो ही रखेंगे ताकि हमारा ये अच्छे से पक जाए। तेल गर्म होने का देखते किस तरह हो गया है कि नहीं, थोड़ा सा कोई लेंगे। ये देखिए तेल गर्म हो गया, लो भी है हमारा। तो एक धीरे धीरे जितना भी आपका आएगा आप उतने ही डालेंगे, पैन में जितना आपका आएगा उतने ही डालना है। इसे दूर दूर पे ही थोड़ा सा पकाना है ताकि इसे पकने में आसानी हो सके। तो ये देखिए एक तरफ हमारा ये पक चुका है, तो बस इसे पलट लेंगे। ये देखिए, और मैंने इसे धीमी आंच में ही बनाया है। तेज आंच में आप कभी मत बनाइए, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। तेज आंच में बनाने से जल्दी पक जाता है और अंदर में वो कच्चा रहेगा। ऊपर में आपको लगेगा कि ये पक चुका है, लेकिन जब आप खाएंगे तो वो कच्चा लगेगा, इसलिए धीमी आंच पे ही बनाएंगे। तो ये देखिए दूसरी तरफ भी हमारा हो चुका है। तो इसे टिश्यू पेपर में हम निकाल लेते हैं और इसी तरह हमें जो भी बचा हुआ है इसे भी बना लेंगे। आप इस स्नैक्स को महीनों रखकर खा सकते हैं, खराब नहीं होगा और देखने में काफी खूबसूरत है। मुझे तो बहुत ही पसंद आया था, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोग के लिए भी वीडियो बना देती हूँ। बस बचे हुए को भी इसी तरह तल लेना है। तो ये देखिए मेरे स्नैक्स तैयार हो चुकी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, काफी इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब बनता है। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना खास्ता हमारा बनता है। ये देखिए, ये देखिए बहुत ही अच्छा बनता है और खाने में लाजवाब लगता है। तो मेरी रेसिपी आपको जरूर पसंद आई है, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह से आसान सी रेसिपी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय।